अरुण जेटली जी को भावभरी श्रद्धांजलि दें। शोक संतप्त सभी स्वजन, कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे मेरे छोटे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। मेरे मन पर इसका बोझ हमेशा बना रहेगा। वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। पिछले दिनों उनके लिए जो लिखा गया है, उनके लिए जो कहा गया है और अभी भी अनेक महानुभावों ने जिस प्रकार से अपनी स्मृतियों को यहां ताजा किया है, इस सबसे हम अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितनी विविधताओं से भरा हुआ था। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी, शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता हूं। वे बीमार थे और उनकी बीमारी कोई आज की नहीं थी, बहुत छोटी आयु में डायबिटीज से लेकर के वो कई समस्याओं से जूझते रहे, लेकिन आखिरी दिन तक अगर आप सामने से पूछने की कोशिश करें तो भी वे न अपनी बात बताने के लिए समय बर्बाद करते थे, नहीं स्वास्थ्य के लिए कुछ बताते थे। वो जब भी बात करते थे देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए, यानी मन मस्तिष्क पूरी तरह देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए रम गया था। उसी में वो रम्मान थे, उसी में वो खोए हुए थे और शायद यही उनकी ऊर्जा थी, यही उनका सामर्थ्य था। आमतौर पर जो पहली बार उनका कोई क्लाइंट उनके पास जाता था तो बड़ा निराश होकर के आता था, उसको लगता था कि मुझे इनके पास कहां भेज दिया। जब मैं उनको मेरा केस बता रहा था
वो तो टीवी देख रहे थे। जब मैं अपनी समस्या समझा रहा था तो खाने का ऑर्डर कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं। कल पता नहीं कोर्ट में मेरा क्या होगा। यानी एक प्रकार से उस मुलाकात में वो निराश होकर के जाता था, लेकिन जब कोर्ट के अंदर वो उनको सुनता था तो उसको आश्चर्य होता था कि इस व्यक्ति के पास वो कौन सी प्रतिभा है कि मैंने मुश्किल से दो चार वाक्य मेरे कहे लेकिन उसने मुझे पूरा पढ़ लिया, मेरी समस्या को जान लिया और कानूनी युद्ध के लिए अपने आप को खड़ा कर दिया और वो केस जीत गए। ऐसे आपको अनेक घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी। कैबिनेट में भी मैं हमेशा एक कमी महसूस करूंगा, क्योंकि इनके पास हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास की, शासन व्यवस्था की एक प्रकार से मेमोरी का डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया पूरी तरह भरा पड़ा था, और इसलिए कोई भी विचार हमारे सामने आता है तो बड़ी आराम से कहते हैं देखो उस समय ऐसा हुआ था, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है, और सही निर्णय करने में इस प्रकार की पुरानी घटनाओं के मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है, निर्णय के तरीकों का उस पर प्रभाव होता है। और अरुण जी का यह सामर्थ्य मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन के लिए एक अनमोल अनमोल रत्न था। जीवन इतना विविधताओं से भरा हुआ था, दुनिया की कोई भी लेटेस्ट चीज की बात निकालिए वो पूरा कच्चा चिट्ठा उसका खोल देते थे, इतनी जानकारियां रखते थे। उनका एक स्वभाव था हर चीज को पकड़ लेना, और वो वन लाइनर के लिए तो जाने जाते थे, हर बात को वन लाइनर से अपना वो पूरी तरह प्रस्तुत कर देते थे। मीडिया वालों के बहुत प्रिय थे वो, क्योंकि उनको जो चीज को पाने के लिए 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़े, अरुण जी को मिलने तो 8-10 मिनट में मिल जाती थी कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, और आप अगर ये सोचते हैं तो गलत है, ये सोचोगे तो ठीक हो, और बाइन लाख वो मीडिया वालों के भी एक बार मददगार हुआ करते थे। यानी ऐसा प्रतिभा का धनी उसको हमने खोया है। मेरे जीवन में हम सब करके बता रहे दोस्त, और सचमुच में एक दोस्त के रूप में उसके साथ जीने का अवसर मिला। वे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों में से थे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अगर वर्किंग कमेटी है तो जिस शहर में भी हो 5-स्टार होटल में रहना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और हमारी पार्टी में ऐसा नियम भी नहीं था कि आप अपनी व्यवस्था से नहीं रह सकते थे, लेकिन अरुण जी ने कभी भी पार्टी व्यवस्था के बाहर रहे नहीं। और हम लोग करीब पिछले 30-35 साल हर वर्किंग कमेटी में एक ही कमरे में रहते थे दोनों, और वे जो व्यवस्था पार्टी ने दी हो, कमरे में एसी हो न हो, व्यवस्था हो न हो, वो वहीं पर हम साथ रहते थे। जबकि वो सब चीज अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन पार्टी संगठन के साथ जीने के लिए मुझे भी अपने आप को ढालना चाहिए, एक कार्यकर्ता के लिए जो अपेक्षाएं होती हैं वो जी करके दिखाते थे। मुझे बराबर याद है जब अटल जी भी थे तब भी किसी चीज का ड्राफ्टिंग होता था तो या तो अडवाणी जी उसको हाथ लगाते थे या तो अरुण जेटली हाथ लगाते थे, और शब्दों को सही करने का काम, सही समय पर सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करने का काम इतनी बखूबी वो निभाते थे। ये अपनी विविधता विशेषताएं एक अपने आप में वैल्यूएशन करती थी। सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तित्वों का होना, ऐसी प्रतिभाओं का होना, और ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, जिसको हम लौकिक दुनिया की चीजें कहते हैं बहुत कुछ पा सकता है।
लेकिन उन्होंने अपने इस सारे सामर्थ्य को, सारी प्रतिभा को, सारे व्यक्तित्व को, सारी विविधताओं को, सारे अनुभव को, सारे सपनों को सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम आए इसी एक सपने को लेकर के जीते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक प्रकार से छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा था, छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा हिंदुस्तान के राजनीति के विशाल फलक में एक वटवृक्ष बनकर के उभर आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। स्वप्रयत्न से, स्व अनुशासन से प्रतिभा को एक निश्चित दिशा में ढाल करके और उनको जहां जो भी काम मिला हर काम में उन्होंने वैल्यूएडिशन की, हर काम में उन्होंने एक नई ऊर्जा दी, हर काम में उन्होंने एक नई सोच दी। ऐसे मेरे साथी को मैंने खोया है, ये परिवार तो हमारा ही है, हम सब ने कुछ न कुछ खोया है। अरुण जी की उत्तम स्मृतियों को याद रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग देश के लिए किया, समाज की समस्याओं के सुलझाने के लिए किया, हम सभी उसी से प्रेरणा लेते हुए कुछ न कुछ देश के लिए, समाज के लिए करके अरुण जी को उत्तम श्रद्धांजलि देने के एक भी अवसर को खोने नहीं देंगे। उनका परिवार भी उन्हीं के छत्रछाया में बड़ा हुआ है, इसलिए उनके परिवार में भी एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है, क्योंकि मैं बहुत निकट से जानता हूं। और यह भी एक सद्भाग्य का है कि ऐसा सामर्थ्यवान परिवार उनको वो छोड़ के गए हैं, लेकिन वो परिवार भी सामर्थ्यवान होने के कारण हम सभी उनके परिवारजन एक प्रकार के निश्चिंतता भी अनुभव करते हैं। लेकिन अरुण जी की कमी हर कोई महसूस करेगा, हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए सद्भावना के साथ, सत्कार्य के साथ जुड़ करके सच्ची श्रद्धांजलि देते रहें, इसी कामना के साथ मैं आदरपूर्वक जो बात कभी मेरे मन में मेरे लिए वो शब्द निकालना बड़ा मुश्किल है कि अपने दोस्त को मैं आज आदरपूर्वक अंजलि दे रहा हूं। कभी किसी की जिंदगी में ऐसे पल नहीं आने चाहिए, किसी की जिंदगी में नहीं आने चाहिए, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ निर्धारित किया है। मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरे नसीब में एक अच्छे पुराने दोस्त और उम्र में छोटे उसको श्रद्धांजलि देने की नौबत आई। मैं आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। ओम शांति शांति शांति।